अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमर भाई और मेरा नाम है अब्दुर्रज़ाक। क्या हाल हैं व्यूअर, ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि साहब बहन भाई ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ अपना अहमद सभा व्लॉग वालों को मिलने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा नमाज अभी हमने पढ़ी है, तो अभी जो है ना मैं निकल रहा हूँ। मेरी उनसे बात हुई है तो वो कह रहे थे कि भाई आप आ जाओ, मैं घर हूँ, अहमद भाई कह रहे थे, तो मैं उधर जा रहा हूँ, फिर आपकी जो है ना मुलाकात करवाता हूँ उधर जा के। तो जुम्मा मेरी तरफ़ से तमाम बहनों और भाइयों को जुम्मा मुबारक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने जुम्मा नमाज़ पढ़ा है और खाना वगैरह भी खाया है, तो जुमे के बाद का टाइम मैंने रखा था, तो उन्होंने कहा आप जुमे के बाद आइएगा। तो अभी तक जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी इस तरह की हर नई वीडियो आती रहे आप तक बआसानी। तो ये जनाब मेरी बाइक खड़ी है, तो अभी हम जो है निकल रहे हैं। ये फैज़ान साहब खड़े हुए हैं साथ, ये फैज़ान साहब भी जा रहे हैं और हाफिज़ साहब भी इधर खड़े हुए हैं, वो सामने इधर होते हैं मस्जिद में। तो अभी हम दोनों जो है ना जा रहे हैं, फैज़ान और मैं। तो ये बाइक मेरी खड़ी है, तो अभी इधर से निकलते हैं, बाइक पर जाते हैं, तो फिर तकरीबन उधर जाके जो गपशप होगी, जो हाल वाल होगा वो आपसे करेंगे, ठीक है? जा रहे हैं तो कम से कम आपको पता है ना फ्रूट लेते जाएं, तो इधर से फ्रूट लेके जाते हैं और बाइक से मिलते हैं, जाके गपशप करते हैं, नींबू वगैरह मिलते हैं और उसके बाद जो है सेब दी है। मतलब आज इसको मिलने के लिए जाए तो कम से कम हाथ खाली तो ना जाए, मैंने कहा चलो आज पहली मतलब आज जा रहे हैं भाई को मिलने के लिए, तो फिर मैंने कहा फ्रूट लेते जाते हैं, तो फिर भी फ्रूट वगैरह हमने दे दिया। हम इधर ही खड़े हैं उनके सिटी में, ये जहाँ रहते हैं अहमद भाई उनके सिटी में मैं खड़ा हूँ, इधर से मैं जा रहा हूँ उनके पास, तो फिर उधर जाके गपशप करते हैं आपके साथ। तो व्यूअर्स अभी अभी पहुँचे हैं अहमद भाई के घर, तो वो आ रहे हैं, फिर उनसे मुलाकात करवाते हैं। ये उनका घर है अहमद सभा व्लॉग वालों का, जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा था कि मैं उनके पास जा रहा हूँ। अभी अभी पहुँचे हैं, तो दरवाज़ा खड़काया, वो अभी आ रहे हैं, तो जैसे आते हैं फिर आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। तो आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, जो उनके व्यूवर्स हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी इस तरह की हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी तो जनाब ये आ गए अहमद भाई हमारे, क्या इनकी मोहब्बत है, ये हमें खींच के ले है। क्या हाल है अहमद भाई, ठीक हो, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इनके व्लॉग वगैरह देखता था भाई के, तो मैंने कहा चले मैं भी इधर खानपुर में आया हूँ, सही, तो मैंने कहा भाई को मिल लेते हैं, इनसे गपशप ही हुई वीडियो के जरिए, तो इन्होंने कहा भाई आप जो आ जाओ। हाँ, तो अभी इनके पास भाई ने कहा हम इधर ही आ गए हैं, मैंने कहा कोई नहीं आप आ जाएं मिल लें, कोई मसला नहीं है। ये हमारे बड़े मतलब नाइस भाई हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं हमारे, ये सब आपकी मोहब्बत तो, है, चले आ जाएं अभी भाई के साथ अंदर जाते हैं, गपशप करते हैं, मैं ज़रा इसको लॉक कर लूँ, तो फिर उधर जाके ना गपशप करते हैं, कोई टेंशन नहीं, आ जाएं। जी तो भाई ये जो है ना जगह बनवा रहे हैं अहमद भाई हमारे, हाँ जी, ये इनका माशाल्लाह चैनल भी मैंने आपको बताया था कि इनके चैनल का नाम है अहमद सभा व्लॉग, इनका फैमिली चैनल है। ये जो काम कर रहे हैं ये भी व्लॉगर हैं जी। अच्छा माशाल्लाह, इधर सारे यूट्यूबर भाई इकट्ठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक हो, खैरियत है, तबीयत से ठीक है? जी तो ये जनाब अहमद भाई के घर का काम था, ये मसरूफ़ थे, मुझे कह रहे थे कि भी आप आओ, मेरे घर का काम हो रहा है, मैं अभी बिजी हूँ, तो मैं चक्कर लगाऊंगा, तो इनसे गपशप करते हैं, फिर आप सबसे भी आते हैं दोबारा गपशप करते हैं। जी तो अभी अंदर जा रहे हैं, अंदर जा के बैठते हैं जनाब, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर बनाया हुआ है, अल्लाह पाक इनको नसीब करे। ये देखें ये इनका रूम है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे यकीन करें इनसे मिल के बहुत खुशी हुई है, ऐसे लग रहा है कि मैं अपने भाई के घर आया हूँ, यकीन जाने आप, ये इनकी मोहब्बत है। हालांकि इतने बड़े यूट्यूबर हैं माशाल्लाह, तो इतना मतलब फेम होने के बावजूद भी हमारी इतनी इसने मोहब्बत की है, रिस्पेक्ट दी है, उन्होंने कहा कि भाई आप आओ, मोस्ट वेलकम। तो अभी इनसे बैठते हैं, गपशप करते हैं। जी आप हमारे भाई
क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर से? जी प्यारे बहन भाइयों, देखिए इंसान की ये एक प्यार मोहब्बत इखलाक ही होता है जो एक दूसरे से मिलवाता है। बाकी घर महल बंगले गाड़ियाँ पैसा ये तो सब कुछ यहीं पे रह जाना है। आज मेरा है कल किसी और का होगा, कल किसी और का है परसों किसी और का है। जो मेन मोहब्बत प्यार इखलाक है वो हमेशा कायम दायम रहे। तो इंशाल्लाह आप सब ने भाई के चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ताकि ये भाई भी आगे बढ़े और हमसे भी ज्यादा जो है ये फेमस हो जाए इंशाल्लाह। और हम इनसे टाइम मांगे तो भाई के पास टाइम भी ना हो। आप हमारे भाई, आप जब मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह खिदमत के लिए हाजिर होऊंगा। तो बाकी आप मैं पानी वगैरह लेके आता हूँ आपके लिए। ओके ओके। तो ये जनाब बेबो इधर खड़े हो गए, इनका बेटा अहमद भाई का, क्या हाल है जी? ठीक हो? तबीयत ठीक है, अभी वीडियो मेरे ख्याल में साफ नहीं आ रही। इस साइड पे बेबी है अहमद भाई, इधर आ जाओ छोटा। बेबो को आप देखते रहते हैं इनके चैनल पे, हाय बोल दो उधर। आप इनके चैनल पे भी विजिट कीजिएगा व्यूअर्स। हाँ जी, अहमद सबा व्लॉग है इनके चैनल का नाम। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि मैं अहमद भाई को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो अभी ये बेबो के साथ बैठा हूँ। माशाल्लाह ये क्यूट लगता है मुझे वीडियो में, माशाल्लाह मेरी बेटियों की तरह। माशाल्लाह ये माशाल्लाह खूबसूरत, अल्लाह बहुत नेक बनाए इसको। आमीन आमीन। और इंशाल्लाह फिर आते हैं आप सबसे गपशप करते हैं। ये तो व्यूअर्स आप भी देखें बोतल लेके खुद आ रहे हैं, ये इनकी मोहब्बत है हमारे लिए बड़ी अहमद भाई की। जी मैं बोतल लेता हूँ जी। जी बिल्कुल, कहते हैं ना जैसे कि आ जाएं आप, पहला वाला आप लें और दूसरा मैं लेता हूँ। तो आ जाएं आप, पहला घूंट आप लें, सब व्यूअर्स तो बाकी बाद में हम पियेंगे। अहमद भाई आप भी पियो ना। पिए हमने अभी पी है, अभी ना खाना वगैरह खाया, अभी पिए बोतल। हाँ जी चलें जी, ये इनकी मोहब्बत है, आते ही इन्होंने ठंडा कर दिया हमें, क्योंकि गर्मी में आया ना आज, गर्मी ज्यादा है। जी जी बिल्कुल, तो बोतल वगैरह पीते हैं फिर इंशाल्लाह गपशप करते हैं अहमद भाई से, फिर लाइफ आपसे मजीद गपे शपे लगवाएंगे इनकी। माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है। ये तकल्लुफ की कोई बात नहीं, वीडियो बनाते हुए आया हूं कोई इनकी जरूरत ही नहीं थी, ये तो आपको पता है। ये तो आप मैं आ रहा था मेरे भाई के पास, जा रहा है पहली बार, तो वाला कम से कम कुछ ले जाए, कोई मसला नहीं है। ये तो चीजें आपको पता है हम रूटीन में चलती रहती है, बस आप आ गए हैं यही बहुत है जी। आपकी मोहब्बत लेके आए जी। और सुनाए क्या हाल है? ठीक है, बच्चे वगैरह ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आके बहुत अच्छा लगा है, बाकी लोग तो जैसे जिसका जैसे दिल करता है मुंह होता है वैसे बात करते हैं। बिल्कुल, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि कोई बंदा किसी की बुराई करे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जाहिर बात है, मैंने वीडियो लगाई है कि मैं अहमद भाई के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। तो एक मेरे दोस्त है, मतलब फैमिली का मेम्बर है, वो भी आपको जानता है थोड़ा बहुत, उसने मुझे कहा यार वो बंदा तो ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरे साथ वो इस तरह ना। मैंने कहा यार देखो, मैंने उसको वीडियो पे कमेंट्स किया है फर्स्ट टाइम बैकअप, उसने मुझे कॉल की, उसने खुद कॉल की, ये नहीं कि मैंने उसको कॉल की, हालांकि मैंने कहा मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था। उसने कहा भाई आप मोस्ट वेलकम, जब जी कोई भी इंसान है, आप है, मैं हूँ, ये भाई छोटा खड़ा है, कोई भी है, आप मिलेंगे तो पता चलेगा ना इंसान का। अगर आप किसी की बातों में सुन के जो है आप किसी पे इत्माद करेंगे, साफ जाहिर है मसले मसाइल, जब इंसान कोई फेमस होता है ना तो 50% उसकी मोहब्बत वाले होते हैं, 50% उसके मुखालिफ हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल, इसी तरह। तो मैंने भी चैनल बनाया ना अभी, लोग कहते हैं यार तुमने चैनल क्यों बना दिया है, क्या करोगे इसको? मैंने कहा यार ये मैंने चैनल बनाया ना सिर्फ अपने काम के लिए बनाया है, इसे मैंने कहा मुझे काम मिलते हैं, लोग मेरे से रब्ता करते हैं, चलो इससे अगले आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। देखें अब चैनल के थ्रू ही आप मुझे मिले हैं ना। जी जी, अभी मिसाल है आप इधर आते हैं इस इलाके में आते हैं, कोई मसला मसाइल है मैं हाजिर बैठा हूँ। बिल्कुल, यही चीज होती है, एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ते हैं, मतलब एक बंदा हर जगह पे उसके ताल्लुकात होते हैं, ये चीज होती है। चैनल का एक वो भी फायदा है, अगर चल जाए तो अल्लाह पाक ने ये भी एक रोजगार का जरिया बनाया है हमें, अल्लाह पाक ने मतलब ये प्लेटफॉर्म दिया है रोजी करने के लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो नसीब में है कर रहे हैं ना, यकीन जानो मुझे ना तकरीबन 1.5 साल अलग भाई हो रहा है चैनल को बनाए हुए, तो मेरा चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा, इसकी वजह क्या है? वजह कोई नहीं, कंटेंट के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे अभी मैंने जो है 7 साल मैंने चैनल खोला है, 7 साल में मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आए, 7 साल पूरे, लेकिन मैं लगा रहा। लेकिन क्या है, मैं 7 साल के अंदर चैनल तो नहीं चला सका लेकिन सीख गया था।
ये वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इस तरह से। अब देखिए हमारा तकरीबन 10 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद क्लिप चेंज हो जाता है, सीन चेंज हो जाता है। मतलब एक वीडियो 15 मिनट की, 18 मिनट की है, उसमें तक कम से कम 100 क्लिप होता है उसके अंदर। छोटा छोटा क्लिप हमें शूट करना होता है, एक्टिविटी रखनी होती है, आवाम को बोर नहीं होने देना। तो इस तरीके से जो है ना, अभी मैंने 2022-21 जो है वो खत्म होने वाला था, बल्कि 2021 शुरू होने वाला था, उस टाइम मैंने ये फैमिली चैनल बनाया। आजकल वैसे व्लॉग्स फैमिली चैनल बहुत ज्यादा जो है वो चल रहे हैं। मेरा असल में ना मस्जिदों का काम होता है, मतलब मेरे ख्याल में लोग इसलिए गौर करते थे, स्किप करते थे वीडियो। जी अगर देखा जाए ना आजकल का जो हालात चल रहे हैं ना, बस अल्लाह पाक की दया है, जो बंदा अच्छा काम करता है ना उसको लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। आप मस्जिद का काम है, उसके अलावा कोई किसी की हेल्प का काम कर रहे हैं, किसी का मतलब अच्छी आप एक तबलीग कर रहे हैं, या उसके अलावा कोई ऐसे नेकोकार सदका जारिया काम है, उसमें लोग आपके तनकीद करेंगे लेकिन सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने कल आपकी वीडियो देखी ना, तो आप माशाल्लाह गए वो थे राशन लेके, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार देखो इतना था माशाल्लाह, मैंने कहा फेमस होने के बावजूद भी लोगों की हेल्प कर रहे थे जी। असल में कहा ये इंसानियत होती है इंसान। जी बिल्कुल, असल में ये है कि मतलब हम ये काम करने को आए तो हम डेली करें, लेकिन क्या है लोगों का यही जो काम है ना बड़ा प्रॉब्लम है। लोग मतलब इस बात को ना तो मतलब लोग देखेंगे इस चीज को, ना ही सपोर्ट करेंगे, तो वो एक नेगेटिव ले जाते हैं इस काम को। कोई अगर नेकी का काम कर रहा है ना उसको नेगेटिव लेके जाते हैं लोग। आप भी मुझे अच्छा सा मशवरा दें इसके लिए, मैं क्या करूं आगे आने वाले। चलो मुझे 1.5 साल होने वाले हैं, ठीक है मेरा 1K नहीं हुआ मुकम्मल जी। यूट्यूब में परेशान होता हूं कभी कभी कि मैं इसको छोड़ दूं। यूट्यूब जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जितने चाहे टिकटॉक कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आखिर उनका जो मेन होता है वही यूट्यूब होता है। यूट्यूब पे लाजमी चैनल बनाते हैं, यूट्यूब पे काम अभी 1.5 साल हुआ, आप ऐसे समझ लें आपको 1.5 महीना हुआ है, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी गहराई है ना, इसके अंदर जाने के लिए काफी अच्छा लगता है। हमने 7-8 साल स्ट्रगल की है, तो आप भी इंशाल्लाह लगे रहे ऐसा ऐसा अल्लाह पाक करम करेगा। होती रहेगी, हम कभी इनके यहाँ गए, ये कभी इधर आए। वैसे आपकी रिहाइश कहाँ पे? मेरी रिहाइश है सादाबाद में। अच्छा सर, रहीमियत खान से भी आगे इधर मेरे खानपुर से आगे ससुराल रहते हैं। अच्छा साजा में, ठीक है साजा में उधर मेरे ससुराल रहते हैं। सही, तो इधर मैं खानपुर कटोरा में ज्यादा काम करता हूँ सही मस्जिदों का। सही, तो वीडियो आपकी देखता रहता था। सही, मैंने कहा कभी भाई से मिलूंगा इंशाल्लाह, कोई वक्त आएगा जी। तो फिर मैंने आपको कमेंट्स किया, फिर इधर मैं एक पास काम कर रहा था ना शुगर मिल के पास, तो इधर भी मैंने एक बंदे से कहा कि यार अहमद भाई से मैंने मिलना है। कहते यार मेरी कभी ना उससे मुलाकात नहीं हुई, मैं उसको नहीं जानता, ठीक है ना, अगर आमने सामने आ जाए ना फिर तो मैं पहचान लूंगा कि ये बंदा है अहमद भाई। सही, मैंने कहा यार उनका तो माशाल्लाह इधर नाम है यूट्यूब पे, बहुत बड़ा चैनल है उनका जी, तो आप उनको नहीं जानते? कहते नहीं मैं नहीं जानता। ये जो इंसान जिस फील्ड में होता है ना अहमद भाई, वो यूट्यूब जो है ना यूट्यूब कोई कोई इस्तेमाल करता है, बाकी होती है एक मतलब के मशहूर करवाना, खुद से बावर करवाना लोगों को ना। मैं अपने इर्द गिर्द करीबी जो लोग हैं ना, जितने भी हमारा शहर है, तकरीबन मैंने एक बंदे को भी आज तक अपने चैनल का लिंक नहीं दिया। अच्छा, चैनल दिया है। अच्छा, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया हुआ। सही है, तो उसके बाद ये है अभी काफी लोगों को खुद ब खुद ही पता चल जाता है, खुद ब खुद ही मतलब यूट्यूब पे तो देख लेते हैं ना। मैंने भी आपकी यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो देखी है ना। जी जी, तो माशाल्लाह आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा है। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है जी, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह ताला फिर आएंगे कभी, आप भी आना उधर, मेरा काम चल रहा है मस्जिद में। मैं कभी टाइम नहीं, बस टाइमिंग तो है, वीडियो बनानी है आपने एक छोटी सी थी इंशाल्लाह 5 मिनट की, उधर आके अपने व्यूअर्स को आप दिखाएंगे ना, उनको पता चलेगा कि वाकई ये काम इन्होंने किया है जी। ठीक हो, बाकी विजिट करेंगे तो उनकी मर्जी है, आपने कह दिया इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे और जरूर डिजाइन वगैरह दिखाएंगे। व्यूअर्स अभी अभी जो है ना गपशप की है भाई से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है तरीके से भाई ने हमें गाइड किया है और बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह इनसे पूछी है, मालूमात ली है यूट्यूब के बारे में। माशाल्लाह ये तो उस्ताद है ना हमारे यूट्यूब फील्ड में, तो इन्होंने बहुत ही प्यार मोहब्बत से जो है ना जो जो बातें करनी थी की हैं, आगाही की है। बहुत ही खुशी हुई है भाई से मिल के, अहमद भाई से। तो जितने व्यूअर्स हैं मेरे, आप इनके चैनल का विज़िट करेंगे, अपना भाईजान अपने चैनल का नाम बता दीजिए। हमारे चैनल का नाम है सबा अहमद व्लॉग्स। सबा अहमद व्लॉग्स फैमिली चैनल है भाई का, तो आप सब ने व्यूअर्स
सपोर्ट करनी है भाई को जितनी भी हो सके, कम से कम आपने ना सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई के चैनल को, और तारुफ भी करवाना है। मेरा नाम लिखते जाएंगे ना भाई को पता चलता जाएगा कि ये सुमरो भाई की तरफ से आए हैं, ठीक है ना। तो माशाल्लाह ये इन्होंने घर बनवाया इसी से, मतलब ये इन्होंने सारा घर का काम करवाया जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी है। और YouTube से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बना रहा हूँ, अभी काम जो है वो जारी है, काम हो रहा है, पीछे देख सकते हैं। अभी आएंगे एक मर्तबा और भी इनके साथ वीडियो बनाएंगे अपनी फैमिली के साथ, भाभी आपकी को लेके आऊँगा ना तो भाभी से भी मिलेंगे। अभी भाभी मेरे ख्याल में दूसरे घर में है, सबा भाभी, उनको आपने मेरा सलाम कहना है, सुमरो भाई ठीक है ना, हमारी बहन है जी। हमने यकीन करें अपने भाइयों जैसा आपको समझाया और आपने इज्जत दिया और इधर आए हैं, तो फिर इंशाल्लाह आएंगे। अभी चलते अपने काम पर जी, तो इसी दुआओं के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।